चार दिन से लाइन क्यों नहीं है? अभी चालू हुआ, अभी बोले तो अभी चालू हुआ। चार दिन से तुम क्या बीबी के पास सोए हुए थे? क्या था? चार दिन से गाज गिर गया था, अभी बोले तो कर रहे कि चालू हो गया। अभी तुरंत चालू हुआ तो एसी को बोलने के बाद चालू होता है। आपकी जिम्मेदारी क्या? झूठ नहीं बोल सके हमारा जोकर, वो काज नहीं चाहिए बाप के। तुम अपनी बीवी के पास सोए हुए थे क्या? ये शब्द हमारे नहीं, सांसद पप्पू यादव के हैं। और नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। आपको बता दें कि सांसद पप्पू यादव का रौद्र रूप देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने जेई को बड़ी फटकार लगाई है। और साथ में जब उन्होंने फटकार लगाई तो कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया में जिस तरीके से कई जगह बाढ़ आ चुके हैं, कई गाँव में बाढ़ आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर बिजली नहीं है। बिजली नहीं होने के कारण लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और रुपौली प्रखंड के बाद प्रभावित गांव में चार दिन से बिजली नहीं होने के कारण सांसद पप्पू यादव का गुस्सा देखने को मिला है। बिजली विभाग के जेई द्वारा बार बार फोन नहीं उठाने पर उनका गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया और क्या कुछ कहने लगे पप्पू यादव। पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। फोन क्यों नहीं उठाते हो इन लोग? आप चार दिन से लाइन क्यों नहीं है? अभी चालू हुआ, अभी बोले तो अभी चालू हुआ। चार दिन से तुम क्या बीबी के पास सोए हुए थे? क्या था? चार दिन से गाज गिर गया था, अभी बोले तो कर रहे कि चालू हो गया। अभी तुरंत चालू हुआ तो एसी को बोलने के बाद चालू होता है। आपकी जिम्मेदारी क्या? ये नंदगोला और इधर क्या कहते हैं डुमरी तरफ, हम कुछ नहीं जानते। डुमरी नंदगोला की बात बताइए, कितना देर के अंदर बिजली दोगे वहां हमको? आप हमको बताइए। आप देखो तो लाइन लाइन एलन नहीं कैसे मालूम? अभी अभी तुरंत देखो ना, हमारा बोलबो ना लाइन नहीं रहता है। झूठ नहीं बोल सके हमारा जोकर, वो काज नहीं चाहिए बाप के। लाइन आ गई थोड़ा, यहाँ 5 बजे तक लाइन चले तो संजय, संजय बाबू बोल की रखो थोड़ा, यहाँ गिरा हुआ है, नहीं करवा रहा था। तीन गिरा हूँ, पूरा पावर बात करेंगे। नहीं सुनते तब ना मास करना है। आदिल नंबर लगते आदल के तू फोन कर। हेलो बाबू, ये लाइन क्यों 4 दिन से लगा? नहीं, ये तो
तो सुना आपने, उन्होंने कहा जेई से सीधे सवाल पूछा कि 4 दिन से कहाँ गायब हैं आप, तुम अपनी बीबी के पास सोए हुए थे क्या। सांसद पप्पू यादव का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और सीधे तौर पे पप्पू यादव का ये रौद्र रूप देख के लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार पप्पू यादव ने ये क्या बोल दिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई तरीके की परेशानी हो रही है और इसी दौरान पप्पू यादव हर जगह जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो 4 दिन से बिजली नहीं थी, जिसकी शिकायत पर उन्होंने जेई को कॉल किया लेकिन बार बार जेई ने कॉल नहीं उठाया और जब उठाया तो पप्पू यादव के ये शब्द उसको सुनने को मिले। तो क्या तुम अपनी बीवी के साथ सोए हुए थे, 4 दिन से कहाँ थे। अब देखना होगा, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तो हो रहा है, आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।